हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे देखोगे आप, अभी गोल्ड जो है तो रिवर्स हो चुका है। हमने जो करेक्शन देखा था वहाँ से रिवर्सल लिया है। तो हो सकता है जिस तरह से अभी ये रिवर्सल है, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम R1 के ऊपर टिकते हैं तो हम फिर से नया हाई लगा सकते हैं गोल्ड में। यहाँ एक मेजर रिवर्सल साइन दिख रहा है। इस महीने के लिए अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 51,700 पे क्लोज हुआ है, लगभग 700 रुपये ऊपर। और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं फॉर मंथ 850 रुपये के गेन के साथ। तो यहाँ क्लियर कट एक रिवर्सल साइन दिख रहा है जिसका टारगेट हो सकता है अ फ्रेश हाई ऊपर जो है तो 52,900, और उसके बाद में जो है तो 55,800 या 700, ये टारगेट जो है तो पकड़ के चलिए। और लॉन्ग टर्म आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 51,000 के नीचे। अगर 51,000 के नीचे जाता है तो हम करेक्शन में जाएंगे। अगर उसके ऊपर बना रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो फिर से जो हाई वो टच कर सकते हैं। और यहाँ उसके अर्ली साइंस दिख रहे हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि हमने मंथ हाई ब्रिज किया है, पिछले महीने का जो हाई था उसको ब्रिज किया है। तो एक बुलिश साइन है, अगर मंथ हाई ब्रिज होता है और उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो हमको जो है तो एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है, जिसका टारगेट लगभग 55,700 का हो सकता है। पहला जो टारगेट रहेगा यह रहेगा 52,800, उसके बाद में 55,700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हमने जो है तो लगभग 20 दिन का जो 20 वीक का जो एवरेज है उसके ऊपर निकल चुके हैं, और हमने सपोर्ट लिया था लगभग 50 वीक का जो एवरेज था उसके अराउंड। तो यहाँ एक बुलिश पैटर्न है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ मीडियम टर्म में भी आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड का अभी टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट मीडियम टर्म टारगेट 52,800 का, अगर उसको क्रॉस करता है तो 55,700 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली चार्ट भी रिवर्सल दिखा रहा है और अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो गोल्ड ने यहाँ जो है तो 200 डेज के एवरेज के अराउंड सपोर्ट लिया था, वहाँ से बाउंस बैक किया, कंसोलिडेट किया, अभी जो है तो ब्रेकआउट दिया है पिछले वीक और मंथ के हाई के ऊपर। तो यहाँ क्लियर कट बुलिश साइन है, यहाँ पीओट पे सपोर्ट लेने के बाद हम जो है तो बाउंस बैक कर रहे हैं। तो यहाँ जो पहला टारगेट रहेगा, यहाँ पहला टारगेट अचीव हो चुका है जो था 51,400 का, उसके ऊपर जो है तो 51,900, वो भी लगभग मुझे लगता है कि शायद मंडे के दिन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर जो है तो 52,650। तो वही 52,800 का जो टारगेट है जो वीकली चार्ट पे दिख रहा है वो इस महीने का फाइनल टारगेट हो सकता है। तो यहाँ जब तक गोल्ड प्राइजेस 51,300 के ऊपर है तब तक आपको लॉन्ग व्यू रखना चाहिए। आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 51,900 का पहला टारगेट और 52,700 का दूसरा टारगेट। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है, और जिनके पास नीचे ले पाएंगे उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है 51,300 के नीचे। और आपको जो टारगेट मैंने बताया 51,900, उसके बाद में 52,700 के टारगेट के लिए आपको लॉन्ग होल्ड करने हैं। तो यहाँ डेली चार्ट पे भी अच्छा खासा बुलिश लग रहा है, और जिस तरह से कैंडल बनी है मुझे लगता है कि इसने जो है तो सभी शॉर्ट ट्रैप कर लिए हैं, और यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को जरूर मिलेगी गोल्ड में, जिसके टारगेट रहेंगे और हो सकता है वो अगले वीक ही आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट रहेगा 51,900 और उसके बाद में 52,700 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो। फ्रेश लॉन्ग करने की मेरी सलाह नहीं होगी, अगर जिन्हें करना है एंटर लॉन्ग उसमें रिस्क है मगर कर सकते हो। वो है 51,000 के अराउंड आपको लॉन्ग करना है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50,600 के नीचे। तो लगभग 450 पॉइंट की रिस्क लेनी है, मगर आपको 51,000 के अराउंड एंटर करना है अगर आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो। अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी भी होगी, क्योंकि यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मेट डाउन आ सकता है, तो आई विल नॉट प्रीफर एनी पोजिशनल लॉन्ग इन गोल्ड और सिल्वर और एनी कमोडिटी। आई विल सिर्फ मैं पोजिशन लॉन्ग जो है तो कैरी करना चाहूँगा क्रूड में, बाकी इसमें मुझे लॉन्ग लेना भी है तो इंट्राडे में हम जो है तो उसको क्लोज कर देंगे। आई विल नॉट कैरी एनी पोजिशनल लॉन्ग, क्योंकि यहाँ जो है तो कभी भी अगर इक्विटी मार्केट और बाकी के मार्केट में अगर मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं
तो उसके वजह से गोल्ड में लिक्विडेशन हो सकता है और किसी दिन आपको जो है तो गोल्ड अच्छा खासा 2-3% नीचे दिखाई दे सकता है, तो इसके वजह से लॉन्ग में अवॉइड करूंगा। मगर यहाँ मोमेंटम क्लियरली लॉन्ग साइड पे है, तो मोमेंटम के साथ जाना है आपको और सपोर्ट के अराउंड बाय करना है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि अगले वीक में 51,900, वो तो मुझे लगता है कि मंडे के दिन ही आ जाएगा, और उसके ऊपर 52,700 का टारगेट आपको नेक्स्ट वीक गोल्ड में दिखाई दे सकता है। वहाँ से फिर शायद थोड़ा सा सॉफ्टनेस या फिर करेक्शन आ सकता है। अगर 52,700 के ऊपर गोल्ड निकलता है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, और ये इन्वेस्टर के लिए टारगेट है ना कि ट्रेडर के लिए, वो रहेगा 55,700 to 800 के अराउंड। और ये जो है जिनके पास फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड बीज है, जिनके पास 100% प्योर गोल्ड और गोल्ड बार्स हैं, या फिर जिनके पास गोल्ड बीज है, उन्हें उनके लिए ये टारगेट अप्रोचेबल रहेंगे और इनके लिए वैलिड रहेंगे। बाकी फ्यूचर में जो है तो फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ मेरे वीडियोस में, यह सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए रहते हैं। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद है मेरे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में प्रीमियम कमोडिटी कॉल चाहिए तो मेरे प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.